सुबह हमने अपने होटल से विदा ली और पहलगाम के लिए चल पड़े। आज मौसम काफी सुहावना था, रात को बारिश हुई थी। पहलगाम जाने के लिए अनंतनाग से पहले एक तरफ रास्ता जाता है, उसी पर चलकर तकरीबन एक घंटे बाद आपको पहलगाम दिख जाएगा। मैंने इस बार सोनमर्ग मिस कर दिया। सोनमर्ग पहलगाम से ज्यादा सुंदर जगह है। मेरा यह ट्रिप छोटा था, लेकिन पहले जब मैं आया था तो मैं सोनमर्ग गया था। सोनमर्ग में आपको गर्मी के मौसम में भी बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। वहां हर मौसम में बर्फ मौजूद रहती है। लोकेशन काफी अच्छी है। सोनमर्ग के आगे ही अमरनाथ यात्रा को जाने के लिए रास्ता है और एक रास्ता पहलगाम की तरफ से है। रास्ते में हम लोग पामपुर रुके। पामपुर वह इलाका है जहां पर दुनिया का सबसे बेस्ट केसर उगाया जाता है। यहां पर कई किसानों ने सड़क किनारे अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं। यहां पर वो अपने खुद के खेत से प्रोसेस किया हुआ केसर सेल करते हैं। ऐसी ही एक दुकान पर हम भी रुके। हमारा स्वागत गर्मा गर्म कहवे से किया गया। कहवा पीते पीते हमने दुकान में काफी आइटम देखी। केसर के अलावा ड्राई फ्रूट भी यहां पर मिल जाता है। बादाम भी कई क्वालिटी के यहां पर थे। खरीदारी करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अनंतनाग से पहले एक इलाका है, यहां पर के विलो लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं। ये बैट पूरे विश्व में सप्लाई किए जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर यहीं से बनाए गए बैट खरीदते हैं। जो बैट आपको शॉप पर 4 से 5 हजार में मिलेगा, वही बैट यहां पर आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। मैंने एक बैट खरीदा और पहलगाम के रास्ते पर हो लिए। जैसे ही हम लोग मुड़े तो सबसे पहले हमें सेब के बाग दिखाई दिए, जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके बाद आगे चलने पर अखरोट के बड़े बड़े बाग सड़क के दोनों तरफ बने हुए थे। पहलगाम निचाई में स्थित है, वहां पर श्रीनगर से ज्यादा ठंड होती है। यह लिडर रिवर है जो पहलगाम से होकर गुजरता है। पहलगाम का एंट्री पॉइंट आ गया। यहां से भी एक रास्ता अमरनाथ के लिए चलता है। पहलगाम में बड़े बड़े घास के मैदान देखने के लिए हैं। यहां पर प्राकृतिक सुंदरता है, उसी को निहारने के लिए लोग यहां पर आते हैं।
जहां पर घोड़े वाले और गाड़ी वालों ने अनेकों पॉइंट बना रखे हैं, जैसे कि बेताब वैली है, यहां पर बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्राकृतिक सुंदरता के कुछ पॉइंट है जहां पर कि वो आपको लेके जाते हैं। एक अरू वैली है, कुछ टेंपल है, तो ये सब घूमने के लिए आपको समय चाहिए। मेरे पास समय कम था, मुझे रात पत्नी टॉप रुकना था। यहां घूमने के लिए मिनिमम 4 घंटे चाहिए। मैंने वहां पर एक सरदार जी के ढाबे से नाश्ता किया। आगे हमारा सफर काफी लंबा होने वाला था, तो मैंने फुल शाही थाली मंगवाई। खाना अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना हमने रतन ढाबे में खाया था। हमने 15-20 मिनट और यहाँ पर व्यतीत किए और आगे अपने सफर की ओर निकल पड़े। अगर आप लोगों को सोनमार्ग और पहलगाम के बीच में से कोई एक जगह चूज करनी हो तो आप सोनमार्ग चूज करें। आगे लोकल रास्ते पर होते हुए हमें काजीगुंड निकलना था। वहाँ पर रास्ते में हमें एक मटन गांव दिखा, जो कि सरदार लोगों का गांव था। यहाँ की 80% आबादी सरदारों की थी। हम 15 मिनट के लिए यहां पर रुके और चाय पी। गांव का इलाका होने के कारण यहां पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक था। शीघ्र ही हम लोकल रोड में से अब नेशनल हाईवे पर आ गए। यह काजीगुंड है, कभी यह बहुत व्यस्त इलाका हुआ करता था। अब बाईपास बनने से यहाँ की भीड़ भाड़ छट चुकी है।